तो क्या आप काइन मास्टर में कस्टम फॉन्ट्स को ऐड कर सकते हो और कैसे कर सकते हो? तो भाई यही बताने वाला हूँ इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को एंड तक वॉच करना। सो हे गाइस, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो करते हैं शुरू वीडियो को, लेट्स बिगिन। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम अपने काइन मास्टर को ओपन कर लेते हैं। तो आप जैसे करते ही हो लेयर में जाकर अपना टैक्स ऐड कर लेते हो। अगर आपने काइन मास्टर का प्रीमियम ले रखा है तो आपको यहाँ पर बहुत सारे फॉन्ट्स देखने को मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने कितने सारे फॉन्ट्स डाउनलोड कर रखे हुए हैं। आप इस स्टोर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर फॉन्ट्स को डाउनलोड कर सकते हो। तो अगर आप काइन मास्टर का प्रीमियम नहीं ले सकते तो आप गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हो। आपको पता ही है क्या सर्च करना है। समझ रहे हो ना। तो ये तो है काइन मास्टर के बीच के फॉन्ट्स। अब बात आती है कि आप बाहर से काइन मास्टर में कस्टम फॉन्ट्स को ऐड कर सकते हो, ये पॉसिबल है या नहीं। तो मैं आपको बता दूं ये पॉसिबल है भी और नहीं भी। पॉसिबल इसलिए है कि आप थर्ड पार्टी ऐप को यूज कर काइन मास्टर में कस्टम फॉन्ट्स को ऐड कर सकते हो, पर ये फेयर तरीका नहीं है, इसलिए आप काइन मास्टर में कस्टम फॉन्ट्स को ऐड नहीं कर सकते। बट रुको जरा, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ जिससे आप काइन मास्टर में बाहर के फॉन्ट्स को यूज कर सकते हो। तो इसके लिए आपको किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है, फिर आपको सर्च करना है फॉन्ट स्टाइल। भाई सर्च करने के बाद आपके सामने बहुत सारी वेबसाइट आ जाएंगी, आप किसी भी वेबसाइट पर क्लिक कर सकते हैं। तो मैं पहली वेबसाइट पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आपको अपना नॉर्मल टेक्स्ट लिख देना है जिसका आपको काइन मास्टर में फॉन्ट चेंज करना है। लिखने के बाद आपके सामने नीचे बहुत सारे फॉन्ट स्टाइल आ जाएंगे, आपको जो भी फॉन्ट स्टाइल अच्छा लगता है आपको उसे कॉपी कर लेना है। तो आपको जिस भी फॉन्ट को कॉपी करना है उस पर ऐसे टाइप कर रखना है और उसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको फिर से काइन मास्टर में जाना है, लेयर में जाकर टेक्स्ट पर क्लिक कर देना है और जो भी फॉन्ट स्टाइल कॉपी किया है उसे यहाँ पर पेस्ट कर देना है। आप देख सकते हैं फॉन्ट स्टाइल ऐड हो चुका है, आप ऐसे ही और फॉन्ट स्टाइल को ऐड कर सकते हो। तो अगर आपको वेबसाइट पर फॉन्ट स्टाइल कम मिलते हैं तो मैं आपको कुछ ऐप सजेस्ट करूंगा जिन पर आपको सिर्फ अपना टेक्स्ट ऐड करना है और आपको बहुत सारे फॉन्ट स्टाइल मिल जाएंगे जिन्हें कॉपी कर आप काइन मास्टर में पेस्ट कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो आपको कैसी लगी ये ट्रिक कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। पिक्सल लैब में कस्टम फॉन्ट्स को ऐड करना सीखना चाहते हो तो ये वाली वीडियो पर क्लिक करो, पिक्सआर्ट में सीखना चाहते हो तो ये वाली वीडियो पर क्लिक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।